नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब इन 24 न्यूज़। दोस्तों इस समय खड़े हैं कल्पना चावला मर्चरी हाउस के ठीक सामने, जहां पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग पहुंचे हैं और गरुंडा के पास अमृतपुर कला में 34 वर्षीय व्यक्ति की मौत की खबर मिलती है। बताया जाता है कि एक पार्टी को अटेंड करने के लिए वो व्यक्ति उसमें जाता है और फिर न जाने उसके साथ मारपीट होती है, क्या कुछ होता है जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं सभी जो गांव के लोग पहुँचे हुए हैं पूरी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं आखिर व्यक्ति की मौत कैसे हुई। बता रहे हैं उम्र 34 वर्ष है, 2 बच्चे भी हैं व्यक्ति के और न जाने क्यों उस व्यक्ति को इतनी बुरे तरीके से मारा पीटा गया कि उसकी मौत हो जाती है। पूरी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं और व्यक्ति का नाम रामपाल बताया जा रहा है, गाँव के कुछ लोग हैं। आप अमृतपुर कला से ही? आप? हाँ जी सर। तो ये क्या हुआ? अच्छा सरपंच है आप? हाँ। तो ये क्या हुआ उससे, मतलब क्यों ऐसे बता रहे मारपीट हुई है उसके साथ, मारा है? हाँ जी। क्या हुआ है ये तो अभी पता ही नहीं लगा जी, कैसे हुआ, बस ये पता भी उसके इतनी चोट आई हुई है, टांग बांह टूटी हुई है। अच्छा टूटी हुई है, फ्रैक्चर है? नहीं जमी अलग ही हो रही है जी किस्म से। अच्छा। और सिर में चोट है, कोई तेज धार के हथियार से 8-9 निशान है सिर्फ शरीर पे। किसी मतलब पार्टी पुर्टी को ज्वाइन करने के लिए गया था कोई? खाने पीने की क्या चीज थी? वो तो डीजे की चल रहा था, नाचना पार्टी थी। अच्छा पार्टी थी, वहीं पर पहुंचा था। वहाँ किससे झगड़ा हुआ, वो लोग कौन है? देखो जी मैं भी गाँव के ही है, सैनी समाज के, यानी के समाज के। अच्छा। तो वहाँ से इनका थोड़ा बहुत रोड़ा उपलब्ध होया, तो अभी ये नहीं पता जी मर्डर किसने किया है। अच्छा। हाँ पुलिस की तहकीकात चल रही है, देखते हैं। तो मतलब जो शादी में वहीं पर सेटअप है जहाँ डीजे लगा है वहीं पे मारपीट शुरू हो गई? वहाँ थोड़ी बहुत ही मारपीट हुई है, जो इसकी डेड बॉडी मिली है साथ दिखे सेटअप के हिसाब से कम 100 मीटर काफी दूर। अच्छा वहाँ दूर जाके 100 मीटर दूरी पे भी लड़ाई? हाँ लड़ाई हुई है, डेड बॉडी वहाँ मिली है। अच्छा वहीं मिली 100 मीटर दूर? हाँ 100 मीटर दूर, गांव के अंदर ही अमृतपुर कला। हाँ जी। और ये बता रहे रामपाल नाम है व्यक्ति का? हाँ जी रामपाल। क्या करता है व्यक्ति? व्यक्ति दिहाड़ी करता है, फैक्ट्री में नौकरी करता है। अच्छा दिहाड़ी करता है, फैक्ट्री में नौकरी करता है। तो दोस्तों बता रहे हैं कि फैक्ट्री में नौकरी करता है व्यक्ति, दिहाड़ी मजदूरी करता है, जिस तरीके से व्यक्ति की मौत हो गई। और अभी फिलहाल देख सकते हैं जो सभी जो गांव के जो अन्य लोग हैं अभी समय तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहां पर फिलहाल ये रामपाल के बता रहे 2 बच्चे रामपाल के। हाँ जी 2 बच्चे है साहब। 2 बच्चे और दिहाड़ी मजदूरी करता है। हाँ दिहाड़ी मजदूरी। तो कोई दुश्मनी है उन लोगों के साथ? कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा कोई भी था जी, पर कुछ भी नहीं, राजी पर कोई कह सुनी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं आज तक होगी। आज तक नहीं जा रहे हैं। उसके साथ मारपीट बहुत ज्यादा हुई है? हाँ मारपीट हाथ से ज्यादा हुई है। नहीं क्या कहता रहे, बॉडी मतलब कई पार्ट टूटे हुए बॉडी के? हाँ पैर हाथ टूटे है, सिर फूटे है, चक्कू मार के पेट पाड़ रखे पेट में। अच्छा पूरा पेट पाड़ा हुआ? हाँ पेट पाड़े हुआ है, चाकू मारे हुए। और कितने लोगों ने मारा है? जो के बताइए वहाँ कई लोग थे, तो यही बताओ मैंने जो से पकड़े गए। कैमरे कुमरे भी लगे हुए हैं जहाँ पर वो? लाल कैमरे नहीं थे जो। तो वो किसी का घर था जहाँ पार्टी पूछी थी? पार्टी चली थी वहाँ डीजे डाजे पे, फिर उसकी रिपोर्ट किसी के घर पहुँचा था? हाँ घर पहुँच रहा था, पड़ोसी होगा डीजे बज रहा था, उस पर नाच रखा था। हमारे नहीं वो दोस्त की पार्टी थी कि उसके किसकी किस किसकी पार्टी? गाँव राम मधे सभी नाच रहे कूद रहे, गाँव मधे ऐसी चलता है, पड़ोसियों का भी नाच रहे कूदे, जाकर तो भी नाच कूद रहे थोड़ी देर, सारी ब्यादरी की हो जाए इकट्ठी है जी। हाँ सारी ब्यादरी इकट्ठी हो जाए, जाकर नाचे। तो रात को बॉडी लेकर आए? हाँ 2 या 3 बजे आए, लेकर रात को 3 बजे बॉडी लेकर आए। हाँ वहाँ मीडिया वाले पहुँच गए, पुलिस वाले, सीआईए वाले, फिर थाने वाले। किन चीजों से मारा है? चक्कू से, इंटो से, इन चीज से फोड़े उसको तो गिर के, इन चीजों से। हाँ सिर पे ईट वार की, थोड़ा टांग तोड़ रखी, जंजारी कर दी टांग तोड़। अच्छा टांग अलग कर दी है? हाँ अलग कर दी है तोड़। अच्छा तोड़ के अलग कर दी है? अलग कर दी, इतना मारा है, इतना ज्यादा मारा है। हाँ मतलब काफी लोगों ने? हाँ बेरहमी से मारा है, बेरहमी से मारा, बेरहमी से मारा जी, हद से ज्यादा मारा है। तो अभी वो लोग कहाँ है सारे जिन्होंने मारपीट की है? वो तो खड़े कर रही है। अच्छा दोनों पुलिस आई थी रात को? हाँ रात को आई थी 2 बजे। तो कुछ लोगों को पकड़ा भी है अभी? हाँ 2 बजे को पकड़े हैं, 2 को पकड़ लिया। हाँ अभी भर लिया भाई अपना मारे। नाम पता है उन लोगों के जिन्होंने मारा है? है नाम पता है उन लोगों के? तो राम को पता थी, नाम नहीं पता। और इनके परिवार में कितने लोग हैं? किनके? रामपाल के। रामपाल के तो 2 भाई और 3 भाई थे। पत्नी? हाँ पत्नी नहीं है, पत्नी गुजर गई थी 6 महीने पहले। अच्छा वो गुजर गई? वो गुजर गई थी। 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे? हाँ छोटे बच्चे हैं, लड़का लड़की।
तो दोस्तों जिस तरीके से रामपाल की मौत हुई है, अभी इसके अंदर बता रहे हैं कि उसे इतनी बेरहमी से मारा गया है कि उसकी लात भी बता रहे हैं अलग हो गई है, उसके शरीर में चाकू घोपे गए हैं, उसके सर पर काफ़ी गहरी चोट लगी हुई है और यहाँ पर कोई ना कोई रंजिश जो है वो सामने ज़रूर आती है। हालाँकि कई बार कोई मामले ऐसे भी होते हैं कि शादी और ऐसी पार्टियों के अंदर छोटी सी बात को लेकर भी जो है एक दूसरे की जान ले लेते हैं। अभी बता रहे हैं कि दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अभी इसके अलावा और भी लोगों को जो है पुलिस देख रही है। बता रहे हैं आसपास जो सीसी कैमराज हैं वो अभी शायद नहीं लगे हुए थे, लेकिन फिर भी पुलिस आसपास की जगह से सीसी कैमरा भी खगा लेगी। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को इतने बुरे तरीके से मारा हुआ है, शायद कहीं ना कहीं कोई रंजिश या फिर जिन लोगों ने मारा है कहीं ना कहीं वो लोग किसी इसी तरह की जो है प्रवृत्ति के लोग थे जिन्होंने इतनी बुरी तरीके से उसे मारा और उसके बाद उसकी मौत हो गई। अभी फिलहाल जो शव है वो कल्पना चावला के मर्चरी हाउस में पहुंचा हुआ है। हालांकि उसकी तस्वीर हम आपको जरूर नहीं दिखा पाए क्योंकि वो आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल इतना जरूर है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन अभी होनी बाकी है और जो परिजन है फिलहाल FIR जो है वो दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन उसमें अभी किन किन लोगों के नाम है वो भी अभी सामने नहीं आ पाए हैं। लेकिन सभी लोगों से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप ऐसा कोई भी अगर किसी शादी में या पार्टी में जाते हैं तो लड़ाई झगड़े से जितना हो सके बचें तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे मामले पहले भी देखे जा चुके हैं जिसमें इतने बुरे तरीके से लोगों को मारा जाता है और कई बार ऐसी शादी पार्टियों के अंदर लोगों की मौत हो जाती है। अब सभी से निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।